दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से कई प्रकार की सेविंग स्कीम को चलाया जाता है, जिसमें इन्वेस्ट करके लोग अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार, पोस्टल लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, जिसको हिंदी में आवर्ती जमा खाता भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर आप किसानी क्यों ना हो और अपनी इनकम में से छोटी छोटी अमाउंट की बचत करके आप मोटा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप भविष्य में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिस पर आपको 5 साल की समय अवधि के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम कई लोगों की पहली पसंद होती है, इसलिए आपको इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार द्वारा हर 3 महीने पर इस सेविंग स्कीम के ब्याज दर को तय किया जाता है। और अभी आरडी में जो वर्तमान में ब्याज मिल रहा है वह 6.7 है, जो कि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस आरडी स्कीम में कितने रुपए जमा करने पर 5 साल के बाद हमें रिटर्न कितना मिलेगा। इस योजना में आप कम से कम 100 रुपये से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद 10 रुपये के मल्टीपल में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और यह जो योजना है 5 साल के लिए होती है, आपको इसमें 5 साल तक जमा करना होता है। और यदि आप 5 साल से पहले इसको बंद करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद इसको बंद कर सकते हैं, परंतु 5 साल से पहले यदि आप बंद करते हैं तो आपको इस पर सेविंग का ब्याज दिया जाएगा और 5 साल के बाद आप अपनी सुविधानुसार आगे भी इसको 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसको विदाउट डिपॉजिट भी रख सकते हैं या फिर विथ डिपॉजिट भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर तो चलिए देखते हैं कि यदि हम 100 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 5 साल में कितना मिलेगा, 6 में कितना मिलेगा, 7 में कितना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यदि हम 100 रुपये के हिसाब से डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल में हमारे जमा हो जाते हैं 6,000 और हमको मैच्योरिटी के साथ वापस मिल जाते हैं 7,137 रुपये। और यदि हम 500 के हिसाब से जमा कर रहे हैं तो 30,000 जमा हो जाते हैं 5 साल में और वह मैच्योरिटी के साथ हमको वापस मिल जाते हैं 35,683 रुपये। और फिर आगे यदि आप इसको बढ़ाते हैं तो 6 साल, 7 साल, 8 साल जो भी आप बढ़ाते हैं उस हिसाब से ये आगे ब्याज है। जैसे यदि हमने 10 साल के लिए ही कर लिया तो 85,427 रुपये 10 साल में और 5 साल के लिए करते हैं तो 35,683। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसको 1,000 रुपये के हिसाब से डिपॉजिट कर रहे हैं, 1,000 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं तो 5 साल में 60,000 रुपये जमा हो जाते हैं और वह हमको ब्याज सहित 71,366 रुपये मिल जाते हैं। इसको फिर 5 साल के बाद आगे बढ़ाते हैं 6 साल के लिए तो 88,711 ये ब्याज सहित अमाउंट है और 7 साल के लिए कर देते हैं तो 107,248। 8 साल के लिए करते हैं तो 127,058 रुपये और 9 साल के लिए 148,229 रुपये और 10 साल के लिए कर देते हैं तो 170,855 रुपये। यदि हम 1500 के हिसाब से जमा कर रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा, तो 1500 के हिसाब से जमा कर रहे हैं तो हमारे जमा हो जाते हैं 60 महीने यानी कि 5 साल में जमा हो जाते हैं 90,000 और हमको रिटर्न में मिल जाते हैं 107,049 रुपये। फिर 6 साल के लिए 133,066 वही, फिर 10 साल के लिए कर लिया मान लो तो 256,282 रुपये। इसी को हम देख लेते हैं 3,000 के हिसाब से, 3,000 के हिसाब से जमा कर रहे हैं तो हमारे जमा हो जाते हैं 5 साल में 180,000 रुपये और
उस पर ब्याज सहित वो हमको 5 साल के बाद मिल जाता है 2,14,097। आगे बढ़ते हैं 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना करते हैं तो हमें मिल जाता है तो 6,00,000 रुपये जमा हो जाएगा और ब्याज सहित आपको रिटर्न मिल जाएगा 7,13,658 रुपये और 6 साल में मिलता है 8,87,109 रुपये। फिर 7, फिर 8, 9 और 10 साल के लिए करते हैं 10,000 रुपये महीना 10 साल के लिए तो हमें रिटर्न में मिलेगा 17,08,546 रुपये। 15,000 के हिसाब से जमा करते हैं तो हमारे जमा हो जाते हैं 9,00,000 रुपये हमारे जेब से और ब्याज सहित हमको 10,70,487 रुपये मिल जाते हैं। और यही 15,000 रुपये महीना कंटिन्यू हम 10 साल तक करते हैं तो 25,62,819 रुपये। इसके बाद हम देख लेते हैं 50,000 रुपये महीना यदि हम जमा करते हैं तो रिटर्न कितना मिलेगा। तो 50,000 रुपये महीना यदि हम जमा कर रहे हैं तो हमारे जेब से जमा हो जाते हैं 3,00,000 रुपये और वह जो है ब्याज सहित हमको मिल जाते हैं 35,68,291। और 10 साल के लिए करते हैं तो 85,42,729 रुपये। और इसके बाद यदि 1,00,000 रुपये महीना करते हैं तो जमा हो जाते हैं 60,00,000 रुपये और ब्याज मिल जाता है 5 साल में हमको 71,36,583 रुपये। और 1,00,000 रुपये महीना हम 10 साल तक करते हैं तो 1,70,85,457 रुपये हमको 10 साल में रिटर्न मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी इनकम में से छोटे छोटे अमाउंट को बचत करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं।